हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फन एंड गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ जो प्लांट लेकर के आया हूँ, इसका नाम है चंपा और इसको प्लूमेरिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये प्लांट जो है काफ़ी हार्डी प्लांट है और काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट है। दोस्तों, ये काफ़ी चीप रेट में नर्सरी में अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये प्लांट जो है बहुत ही लेस केयर वाला प्लांट है। आप इसको जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस भी देंगे तो ये प्लांट आपका अपने आप ईजिली ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छे से ये प्लांट जो है आपका लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलता रहेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस प्लांट के बारे में तो आप इसको नर्सरी में 50 से 60 रुपये में एक छोटा सा प्लांट ले सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी ग्रो करता है ये प्लांट, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है दोस्तों, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलेगा। अगर मैं दोस्तों सबसे पहले बात करूं इस प्लांट के बारे में, सन रिक्वायरमेंट के बारे में, तो आप इसको शेडिड एरिया में भी लगा सकते हैं और वरना आप चाहें तो इसको आप फुल डे की सन भी दे सकते हैं। अगर आप फुल डे की सन भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये प्लांट जो है आपका काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। ये मेरा जो प्लांट है इसको मैं फुल डे की सन देता हूँ और उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए आप, ये मेरा प्लांट ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये इसको जब मैंने नर्सरी से लिया था तो ये काफ़ी छोटा प्लांट था और इसमें काफ़ी कम लीव्स थी और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें न्यू लीव्स भी आ रही हैं और ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस प्लांट को पानी कितना देना है, तो दोस्तों आप इसको एक बार दिन में पानी देंगे तो इसके लिए इनफ होगा। आप चाहें तो एक दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी इसकी हल्की सी मॉइस्ट ज़रूर रखें। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी मिट्टी हमेशा इसको हल्की सी मॉइस्ट मैं रखता हूँ इसकी मिट्टी को। ये देखिए, अभी मिट्टी जो है अभी हल्की मॉइस्ट है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि इसको आप सर्दियों में 2 से 3 दिन में आप एक बार इसको अगर आप पानी देंगे तो इसके लिए बहुत होगा, लेकिन आप पानी जब ही दें जब इसकी मिट्टी ऊपर की पूरी सूख जाए, जब ही आपको इसे पानी देना है, क्योंकि अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट जो है आपका ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये प्लांट आपका मर सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सर्दियों में इसमें कम पानी डालना है और गर्मियों में आप इसको डेली पानी दें अगर आप इसको फुल डे की सन में रखते हैं। दोस्तों, अगर बात करूं इसकी सॉइल की, तो आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट और इसमें सैंड ज़रूर ऐड करें, क्योंकि सैंड जो है इसके मॉइस्चर को बनाए रखता है। तो इसमें आप सैंड जो है थोड़ा ज़्यादा ऐड करें इसकी सॉइल बनाने से पहले। आप इस प्लांट को अगर हर 3 से 4 महीने में एक बार इसको खाद देंगे तो इसके लिए इनफ होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्लांट में काफ़ी अच्छी और फ्लावरिंग आए तो ये प्लांट जो है आपका काफ़ी अच्छे से ग्रो करे और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आए, तो आप इसमें बोन मील ज़रूर ऐड करें। अगर आप बोन मील इसमें ऐड करेंगे तो ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग देगा और दोस्तों इसकी जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है इस प्लांट के फ्लावर्स की, तो आप इसमें बोन मील भी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, इसमें मैं जब बोन मील ऐड करूँगा तो इसमें फ्लावरिंग भी आने लग जाएगी। इसमें अभी देखिए काफ़ी अच्छे से लीव्स आ रही हैं क्योंकि मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था 1 महीने पहले और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो समर का और रेनी का सीज़न जो होता है इस मंथ में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और दोस्तों, ये सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा जो है अपनी ग्रोथ रोक देता है, तो सर्दियों के मौसम में आप इस प्लांट का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप इसे पानी कम दें और इसको फुल डे की सन ज़रूर दें, क्योंकि ये प्लांट गर्मियों के सीज़न में भी फुल डे की सन में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो सर्दियों के मौसम में आप इस प्लांट को काफ़ी अच्छी धूप देंगे तो ये प्लांट जो है आपका काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस पर पेस्ट वगैरह के अटैक के बारे में, तो दोस्तों इस पर कोई भी पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता, लेकिन आप फिर भी कभी देखें कि इसके लीव्स वगैरह पे कहीं पे भी मिलीबग्स वगैरह या चीटियाँ वगैरह लग रही हो, तो आप उसमें नॉर्मल नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml आप चाहे तो नीम ऑयल मिला करके इसके लीव्स पर अगर आप स्प्रे कर देंगे तो इसके लिए इनफ होगा और मिलीबग्स वगैरह जो है वो इस पर से रिमूव हो जाएंगे। और चाहे और आप जो है इसकी लीव्स पे भी स्प्रे करते रहें, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो दिखने में काफ़ी सुंदर लगेंगी। ये देखिए काफ़ी अच्छा इसका कलर आ रहा है, क्योंकि लीव्स पे भी पानी देना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स की, जिससे जो प्लांट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और ख़ूबसूरत लगते हैं देखने में। तो आप जब भी पानी दें तो आप इसकी लीव्स पर ज़रूर पानी का स्प्रे करें, जिससे ये प्लांट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर आपके गार्डन को दे।
और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इसको अगस्त के महीने में या फिर आप फरवरी के महीने में अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो इसकी कटिंग जो है वो काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती है समर के सीज़न में। तो आप जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो समर के सीज़न में ही लगाएं, तो इसकी कटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी और काफ़ी इजीली ग्रो करेगा ये प्लांट। तो यही कुछ टिप्स थी दोस्तों इस प्लांट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।